के जीरो है तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिख के उसके आगे कितने जीरो देने हैं, दो जीरो। ये हो गए, कौन सा भी नंबर लो, 70 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और उसके आगे दो जीरो। ये हो गए, जिसका यूनिट प्लेस कितना है, जीरो है, तो स्क्वायर करने के बाद उसके आगे कितने जीरो देने हमें, दो जीरो, ठीक है। अभी जिसके यूनिट प्लेस में 5 है, कौन सा नंबर है, 5 है, ये हो गए जीरो के, 5 का है, ये 15 है, 15 का स्क्वायर निकालना है। 1 के आगे का नंबर कौन सा है, 1 आफ्टर 2 आता है, तो फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1 × 2 1 × 2 = 2, यानी कि 2 × 1 = 2। अब ये 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, यानी कि 225। अभी हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, 2 के आगे का नंबर 3, 2 × 3 = 6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया हमने, और आगे कितना लिखना है, 25, यानी कि 625। ऐसे हमने 45 लिया है, 5 का आगे का नंबर, 4 के आगे का नंबर 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 20, उसके आगे कितने लिखना है, 25। 65 लिया हमने, 60 के आगे का नंबर 7, 6 × 7 = 42, उसके आगे कितने लिखना है, 25। ये यूनिट प्लेस में अगर कौन से भी नंबर के 5 है तो उसके बैक में जितना भी नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर बिफोर आफ्टर नंबर लेना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आगे कितना लिखना है, 25। सुरेश कुठे लक्ष आहे, तिकडे काय, मी इकडे क्वेश्चन विचारला ना, तिकडे बघायला। अगर हमें 150 स्क्वायर निकल, ये 5 को हमें छोड़ना है, 5 को हमें छोड़ना है, ये बाद में के दो नंबर कौन से है, 11 के आगे का नंबर कौन सा है, 11 × 12 कितना आता है, 132। इसके आगे कितना लिखना है हमें, 25। ये हो गया पूरा 115 का स्क्वायर। जीरो का है तो उसके पीछे का नंबर स्क्वायर करो आगे दो, फिर ये यूनिट प्लेस में 5 है, उसके बैक का जो नंबर है यानी कि 10 प्लस और 100 प्लस का, दोनों मिला के उसके आगे का नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके आगे 25, कितना लिखना है, 25। कितने लोगों को समझ में आया, ये कितने पूरे, तुझे भी समझ में आया, वेरी गुड, तुझे भी समझ में आया। तो ये है, अगर एक कौन सा भी अगर नंबर है, एक नंबर का स्क्वायर बोलो कौन सा भी है, सुरेश